वेलकम टू एसपी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचटीएमएल का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो एचटीएमएल का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ब्राउजर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते ही रहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो मेरा कॉमन सिंटेक्स है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर देता हूँ, HTML। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखिए HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे आपको दिखा कर भी रन करके और रिफ्रेश करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, साइड बाई साइड, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख पाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन पे कोड लिखूंगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंटेंट पे 2 सेकंड दिया हुआ है मेटा टैग, जो कि रिप्लेस हो जाएगा 2 सेकंड में ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट मैं यूज करूंगा बोल्ड टैग। बोल्ड मतलब आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल को यूज किए हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को यूज किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते थे। ठीक है, तो बोल्ड कैसे होता है एचटीएमएल में, उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, बोल्ड को यूज करने के लिए आपको बी टैग का यूज करना पड़ेगा, जो बी एट्रीब्यूट है। टैग को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बी टैग है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी टैग को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बी बी से। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ This is a bold text, ठीक है? इसको मैं बी टैग को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट आ गया है। तो इसको मैं अगर नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं पैराग्राफ में एक दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे ये है बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये है बोल्ड टेक्स्ट, ये है नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो बोल्ड टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो बोल्ड टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए बोल्ड टैग टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं उसके आगे मैं बी टैग को स्टार्ट करूंगा। जहां पे मैं बोल्ड टेक्स्ट को खत्म करना चाहूंगा तो वहां पे मैं बोल्ड टेक्स्ट को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं गलती से अगर बी टैग को यहाँ पे दे दूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे देने के बाद देखिए यहाँ पे, क्योंकि बोल्ड टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो एचटीएमएल को पता लग रहा है कि यहाँ पे मैं बोल्ड टेक्स्ट को स्टार्ट किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो कभी भी गलती मत करिए, जब भी आपको जिस टाइम पे आपको कहीं पे भी जो भी टैग को यूज करने का जरूरत होगा सिर्फ उसी जगह पे आप यूज कीजिए। ठीक है, सही जगह पे यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इटैलिक कैसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इटैलिक के लिए आपको आई टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आई टैग को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। ठीक है, खत्म करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कुछ। This is the italic text. देखिए मैं रिफ्रेश कर दिया, और रिफ्रेश कर देने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया है italic text। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि अगला लाइन पे आप दिख पाए। ठीक है, ब्रेक के लिए मैं पिछला ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, आपको बी आर टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद स्लैश दे दीजिए। ठीक है, बी आर टेक्स्ट को यूज किया हो, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक मतलब ये जो है थोड़ा सा आपको बेंड करके दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बेंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये है इटैलिक टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन कैसे होता है, अंडरलाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। यू टैग को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं यू टैग का इस्तेमाल कर दे रहा हूं। यू टैग का इस्तेमाल करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज अ अंडरलाइन टेक्स्ट।
ठीक है। देखिए यहाँ पे देने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया, इसको मैं फिर से यहाँ पे ब्रेक को यूज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे भी ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक को यूज कर दिया हूँ, देखिए ब्रेक हो गया। दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन मतलब नीचे में जो टेक्स्ट रहेगा उसके अंदर में अंडर में एक अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि सुपरस्क्रिप्ट मान लीजिए आप अगर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा, ए के बाद जो स्क्वायर देंगे स्क्वायर को ए के ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सुपरस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे SUP टैग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बहुत ही आसान टैग का नेम है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको दिया गया है टैग का नेम SUP, मतलब सुपर टेक्स्ट, ठीक है। सुपर टेक्स्ट को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, सुपर टेक्स्ट को, सुपर स्क्रिप्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं सुपर टेक्स्ट को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर में लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं ए को नॉर्मल रखूंगा और स्क्वायर को सुपर स्क्रिप्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए को नॉर्मली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पहले ए को लिख दे रहा हूँ, ए को लिख देने के बाद मैं सुपर स्क्रिप्ट को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टू दूंगा, टू देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट का टू जो है वो ए का ऊपर में चला जाएगा। आप गलती से भी ये ए को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर में मत दीजिएगा, अगर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ए को दे देंगे तो ए भी ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस देंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे बी। बी देने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से ये इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। देखिए इसको देने के बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखाई दे दे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूँ, ठीक है। सेव कर देने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है यही है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए आपको SUP जो टैग है टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट को आप सुपर स्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं उसको SUP टैग का अंदर पे रख दीजिए, ताकि आपको ये सुपर स्क्रिप्ट में नजर आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग जो पानी का अगर संकेत लिखना चाहते हैं, जो H2O, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H2O, H2O का जो H2 है नीचे में वो H का नीचे में रहेगा, H का नीचे में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट का जो टैग है वो है SUB, ठीक है। SUB को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखने के बाद यहाँ पे मैं स्लैश देके SUB फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H को पहले लिख देता हूँ ताकि H सबस्क्रिप्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं टू को मैं सबस्क्रिप्ट करूंगा यहाँ पे, तो टू को सबस्क्रिप्ट के अंदर रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से लिखूंगा ओ, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया हूँ, आपको दिखाई दे दिया। मैं यहाँ पे फिर से ब्रेक को इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको अगला लाइन पे दिख जाए। कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे H2 यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है। जो टू है टू नीचे में जो रहेगा वो है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्मॉल टैग के बारे में, ठीक है। स्मॉल टैग क्या होता है, स्मॉल टैग को यूज करने के लिए हम लोग स्मॉल टैग पे स्मॉल का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर से इसको खत्म कर देता हूँ, स्मॉल टैग यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट। देखिए इसको देने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है बहुत छोटी नजर में आ रहा है, इसलिए नजर में आ रहा है क्योंकि ये स्मॉल टैग के अंदर पे मैं लिखा हूं, इसलिए ये स्मॉल हो गया है, ठीक है। तो स्मॉल टैग को अगर आप यूज करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिग टैग के बारे में। बिग टैग को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज अ बिग टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया हूं, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बिग हो गया है, ठीक है। यह है बिग टेक्स्ट। मैं यहाँ पे भी ब्रेक टेक्स्ट को लगा देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ लाइन, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्टेड टेक्स्ट को यूज करेंगे। इंसर्टेड टेक्स्ट यही है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी इंसर्टेड टेक्स्ट को यूज करने के लिए जो टैग है उसको लिखना पड़ेगा INS, ठीक है। INS को यूज करना पड़ेगा। देखिए जो INS है देखिए
देखिए यहाँ पे मैं इंसर्टेड टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ। इंसर्टेड टेक्स्ट का मतलब है जो अंडरलाइन टेक्स्ट है सिर्फ सेम एज अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इंसर्टेड टेक्स्ट को यूज करूंगा INS टैग के अंदर, तो इस ये क्या करेगा, जो अंडरलाइन टेक्स्ट है अंडरलाइन टेक्स्ट के सेम एज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा। स्ट्रॉन्ग टैग में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट को मैं लिखूंगा वो क्या होगा, बोल्ड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं सेव कर दिया, सेव कर देने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये बोल्ड में हो गया है, ठीक है। तो बोल्ड के जैसा ही स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। आप बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मार्क में। मार्क में क्या होता है, मार्क बहुत ही अच्छा और बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट एक टैग है, जो क्या होगा, आपको कोई भी टेक्स्ट रहेगा उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, देखिए यहाँ पे आपको आ गया दिस इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट, मतलब है ये जो मार्क का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेगा, वो जो टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा उसको हाईलाइट कर देगा येलो कलर से, ठीक है। अगर इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो आप इसको बी टैग को भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप बी दे दीजिए और बी को यहाँ पे खत्म कर दीजिए, ठीक है। बी को खत्म कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे ये भी बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा और मार्क भी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं, यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू टैग को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए यू टैग का इस्तेमाल किया हूँ। यू टैग का इस्तेमाल करने के बाद देखिए ये अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट को आप जैसे भी आपका मर्जी आप स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात आपको इम्पोर्टेंट जो है ये आप याद रख लीजिए, कोई भी टेक्स्ट को अगर आप शुरू करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मार्क को मैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो मार्क को आपको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू को स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे यू यू से पहले मार्क है तो मार्क को पहले खत्म करेंगे उसके बाद करेंगे यू को। तो मान लीजिए ये यू को अगर आप सही जगह पे खत्म नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बाद में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोटेशन का। कोटेशन टैग का हम इस्तेमाल इसलिए करेंगे, मान लीजिए हम लोग कोई भी टेक्स्ट के अंदर कोटेशन देने के लिए अगर चाहेंगे तो उस कोटेशन को भी दे सकते हैं। वो कोटेशन का जो टैग है वो है क्यू टैग, ठीक है। क्यू टैग का अंदर कोई भी टेक्स्ट रहेगा तो वो क्या होगा, वो कोटेशन हो जाएगा। तो मान लीजिए देखिए दिस इज अ, देखिए कोटेशन मैं सिर्फ कोटेशन को ही कोटेशन के अंदर रख देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाएंगे, ब्रेक लगा दिया हूं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज अ कोटेशन टैग, देखिए कोटेशन को मैं कोटेशन के अंदर क्यू टैग के अंदर रखा हूं इसलिए ये क्या हुआ है, इसको कोटेशन के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो यही है कोटेशन टैग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और एक कॉमन और बहुत एक ट्रिक्स देता हूँ, एक टैग है जो हर टाइम जरूरत नहीं होता है पर इस ये जान लीजिए, जो है BDO टैग का। BDO यहाँ पे आपको टैग का नाम है BDO, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। BDO टैग करता है आपका जो डिरेक्शन है, डिरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप उल्टा करके दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BDO टैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BDO को शुरू करता हूँ और BDO को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। देखिए BDO का आपका पहले डिरेक्शन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जब स्टार्टिंग करूंगा, स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग टैग में मैं इसका डिरेक्शन दे देता हूँ। तो डिरेक्शन के लिए DIR लिखना पड़ेगा, इक्वल साइन दीजिए, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए, उसके बाद लिखिए RTL। RTL का मतलब है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, मतलब जो टेक्स्ट मैं दूंगा वो राइट से लेफ्ट तक उल्टा करके दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं BDO टैग को खत्म कर दिया हूँ, यहाँ पे खत्म कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको ये सेम एज स्टार्टिंग टैग देना नहीं पड़ेगा, जो यहाँ का स्टाइल है, जो डायरेक्शन है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग पे मेंशन नहीं होता है, मेंशन होता है, बाकी एंड टैग में कोई भी कुछ भी डायरेक्शन और कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिस इज एचटीएमएल ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पे एक ब्रेक दे देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ब्रेक को मैं दे दिया हूँ, ब्रेक को दे देने के बाद देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइन में लिखा हूँ, देखिए आपको राइट से लेफ्ट तक आपको दिखा रहा है, मतलब उल्टा करके आपको दिखा रहा है ये वीडियो टैग। तो वीडियो टैग का काम ही यही है, ये आपको उल्टा करके दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ईएम। ईएम जो टैग है इसको हम लोग एम्फेसाइज बोलते हैं। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, ये इटालिक के जैसा काम करता है और थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता है, थोड़ा सा ग्रे कर देता है। तो ईएम को यूज करने के लिए मैं ईएम टैग का जो नेम है ईएम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एम्फसाइज टैग। तो देखिए यहाँ पे दिस इज एम्फसाइज टैग आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इटालिक के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एम्फसाइज टैग। तो जैसे कि मैं यही ट्यूटोरियल में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया हूँ, और भी बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारा फॉर्मेटिंग टेस्ट रहता है जो हर टाइम जरूरत नहीं पड़ता है, वो अगला ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।